गाइस अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो गाइस तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जब आप इसको रिटर्न करते हैं या रिफंड रिक्वेस्ट करते हैं और गाइस तब आप उसका सेलर जो कि आपका रिटर्न या रिफंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है तो गाइस तब आप क्या करेंगे। ठीक है तो गाइस तब आपको क्या करना पड़ेगा सारे कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि एकदम स्टेप बाय स्टेप और लाइव प्रूफ के साथ यानी कि जो कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेलर है ये जो मेरा ऑर्डर था इसको इसका जो रिटर्न है और रिफंड रिक्वेस्ट किया था मैं जो कि इसको रिटर्न रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कैंसिल कर दिया गया है। तो गाइस इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इसको किस तरीके से हम लोग जो कि इसको अप्रूव करेंगे यानी कि रिटर्न और रिफंड आप ले सकते हैं वो भी किस तरीके से। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के पास और देख लेते हैं आप किस तरीके से रिटर्न कैंसिल करने की बात भी आप जो कि इसको रिटर्न कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है तो गाइस आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है एंड गाइस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको माय ऑर्डर सेक्शन पर चले जाना है और माय ऑर्डर्स पर आने के बाद आप देख सकते हैं इतना सारा प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पर बाय किया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसको आप देख सकते हैं रिफंड रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है आपको इसमें क्लिक कर देना है जो प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट कर दिया यानी कि रिफंड या रिजेक्ट कर चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो सेलर है इसका जो रिटर्न है इसको रिजेक्ट कर दिया यानी कि रिटर्न जो रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइस फिर से आप इसको किस तरीके से रिटर्न कर सकते हो तो गाइस रिटर्न वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं ये जो ओल्ड इशू है यहाँ पर आपको न्यू इशू वाली पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इशू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी रीज़न आ जाएगा यानी कि रिटर्न का रीज़न आपको पूछा जाएगा। तो गाइस आपका आप अपने हिसाब से यहाँ पर रीज़न को सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस मैं यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ और गाइस मोर डिटेल्स में फिर से आपको एक फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस फिर से आपको किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है और गाइस यहाँ पर कमेंट में आपको यहाँ पर इसके रिलेटेड किसी भी एक कमेंट को देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर साइज रिलेटेड यहाँ पर मैं जो कि कमेंट लिख देता हूँ साइज प्रॉब्लम। ठीक है आप यहां पर करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है तो कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपके दो ऑप्शन आ जाएगा यानी कि एक रिप्लेसमेंट का तो गाइस रिप्लेसमेंट का और यहां पर रिफंड का। ठीक है तो गाइस रिप्लेसमेंट करेंगे तो गाइस आपको यहां पर सेम टू सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा यानी कि जिस जो ऑर्डर किया था उसको सेम टू सेम मिल जाएगा और गाइस रिफंड करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड जो रिफंड करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर जो कि पैसा मिल जाएगा यानी कि आपका प्रोडक्ट ले जाएगा और आपको पैसा दे जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड वॉलेट बैंक अकाउंट यूपीआई से और यहाँ पर बैंक अकाउंट। ठीक है तो गाइस आप गिफ्ट कार्ड में भी ले सकते हैं यानी कि यूपीआई से भी आप अपनी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और यहाँ पर से बैंक अकाउंट से भी ले सकते हैं। ठीक है तो गाइस यहाँ पर से आप देख सकते हैं ऐड न्यू यूपीआई आईडी यहाँ पर यूपीआई डालेंगे तो गाइस आपकी बैंक के खाते में यहाँ पर जो कि पैसे चला जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मेरा फिलहाल है उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट वाले जो रिक्वेस्ट है इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है सबमिट रिक्वेस्ट इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो कि रिटर्न सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चेक स्टेटस में क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है चेक स्टेटस में क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर जो कि रिटर्न अप्रूव हो चुका है और गाइस इसको जो कि पिकअप करने के बाद यहाँ पर जो कि आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है तो गाइस कुछ इस तरीके से जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न यानी या रिफंड को रिजेक्ट करने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसको रिटर्न या रिफंड कर सकते हैं। ठीक है तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो या चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर।